मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा, इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1000 से लेके 10000 रुपए की बायनो पेलेटर सर्विस यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लिमिट मिलेगी ना, एक बायनो पेलेटर सर्विस की लिमिट मिलेगी, तो यहाँ पे आपको 1 रुपए का भी यहाँ पे ब्याज नहीं देना, जितना आपको यूज करना है उतना आपको यहाँ पे वापिस कर देना है। यहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा पूरे 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा और 5 दिन का टाइम आपको बिल जनरेट का मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो किसी प्रकार के बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली और इंस्टेंट आपका लोन यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको प्रॉपर्टी डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन बताऊंगा। इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1000 से लेके 10000 रुपए की यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है पूरे 10000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। आपको जो टाइम मिलेगा पूरे 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा और 5 दिन का टाइम आपको बिल जनरेट का मिल जाएगा। देखो अगर आप इस एप्लीकेशन की लिमिट को यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 1 रुपए का भी यहाँ पे ब्याज नहीं देना, जितना आपको यूज करना है उतना आपको यहाँ पे वापिस कर देना है। तो काफी कमाल की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको 1 मंथ से लेके 9 मंथ का EMI का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे आपको इसको यूज करना है, कैसी आपको लिमिट मिलने वाली है, सो सारा मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपको भी एक पे लेटर सर्विस के यहाँ पे जुड़ता है तो आपको वीडियो का कोई भी पार्ट आप यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप करते हैं ना, तो बिल्कुल भी ना तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्रूवल हो पाएंगे और ना ही आप अच्छे से यहाँ पे लोन यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। देखो अगर आप काफी परेशान है लोन लेने के लिए, अगर आपको एक ऐसी एप्लीकेशन की तलाश है जहां से आपको 1 रुपए का भी यहाँ पे ब्याज ना देना पड़े और आप इसकी लिमिट को अच्छी अच्छी जगह यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कहां कहां पे इसको यूज करना है, बैंक खाते में कैसे ट्रांसफर करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो को कोई भी पार्ट आपको यहां पे स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले आपको इसको यहां पे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो लिमिट मिलेगी ना, एक बायनो पेलेटर की यहाँ पे लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बायनो पेलेटर सर्विस आपको मिलेगी और 45000 मर्चेंट इनके यहाँ पे अवेलेबल है। देखो मुझे जो लिमिट मिली है 10000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है और बाकी की लिमिट मैंने यूज भी यहाँ पे कर रखी है, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बता दूंगा। देखो इसको यूज कैसे करना है, EMI का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो सारा आपको इसी वीडियो में यहाँ पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना है चेक यूज वाले और मैं आपको टच कर देना है। जैसे आप यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा एक पेलेटर सर्विस, पेलेटर सर्विस आपको मिल जाएगी, आपको इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सारा डैशबोर्ड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरी लिमिट बची है तो 3202 रुपए की मेरी यहाँ पे लिमिट बची है और टोटल आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं 6796 रुपए, क्योंकि मैंने इस लिमिट को यहाँ पे EMI के ऊपर यूज भी यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरह का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे EMI का। अगर आप यहाँ पे इसकी लिमिट को यूज कर लेते हैं और आपके पास यहाँ पे पैसे नहीं है ना पे करने के लिए, तब को बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपने इसकी लिमिट आपकी 10000 रुपए की है, आपने इसकी लिमिट को यूज कर लिया 7000 रुपए, अब आपको पे करने के बाद आपके पास पैसे नहीं है, तो आप इसको EMI के ऊपर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। EMI के ऊपर कैसे यूज करेंगे, तो लास्ट टाइम तक अगर आपके पास कोई भी पैसे नहीं है इनको पे करने के लिए, आपको कंपनी की तरफ से एक ऑफर यहाँ पे दिया जाएगा। अब जो कंपनी की तरफ से आपसे ऑफर दिया जाएगा ना, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6531 रुपए यूज करे थे और मेरे पास यहाँ पे पैसे नहीं थे इसको पे करने के लिए, तो कंपनी की तरफ से मुझे 6 मंथ का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है और 1226 रुपए मेरी मंथ की EMI यहाँ पे बन चुकी है। तो भाई जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था, काफी कमाल की एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे इसको पे लेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, साथ में आप इसको EMI की तरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। EMI की तरह आपको कैसे यूज करना है, आप देख सकते हैं 1226 रुपए की मैंने EMI को पे भी यहाँ पे कर दिया है। आप यहाँ पे कोई रिचार्ज कर सकते हैं, कोई गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने गैस सिलेंडर की एक बुकिंग करी थी 829 रुपए यहाँ पे दिखा रहा है, इसको भी मैं आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा इंडियन गैस इंडियन ऑयल, यहाँ पे 829 रुपए की मैंने यहाँ पे बुकिंग करी थी। कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज करते हैं, गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं, बिजली का आप यहाँ पे बिल भर सकते हैं, काफी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसको आपको यूज कैसे करना है और बैंक खाते में आपको इसको ट्रांसफर कैसे यहाँ पे करना है। बैक आने के बाद आपको पूरा बैक आ जाना है। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लेटर का, यहाँ पे आपको पे वाला ऑप्शन क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो आप इसको यहाँ पे पूरा पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इतनी लिमिट को EMI के ऊपर कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी EMI की लिमिट थी ना, तो 5728 रुपए मेरे यहाँ पे बच चुकी है। ऊपर से अगर आप इसको यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका बिल जुड़ के यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा जो बिल जुड़ के आ चुका है 6796 रुपए मेरा बिल जुड़ के यहाँ पे आ चुका है। तो काफी अच्छी एप्लीकेशन है। देखो आप इसको यहाँ पे EMI के ऊपर यूज कर लो, तो चाहे तो आप इसको 1 मंथ के लिए यहाँ पे यूज कर लो। अगर आप इसको 1 मंथ के लिए यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 1 रुपए का भी यहाँ पे ब्याज नहीं देना। अगर आप इसको EMI के ऊपर यूज करते हो तो वहां पे आपको 42% का इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मेरा काम है पहले से सारा कुछ बता देना, क्योंकि मेरा काम यही है कि
अगर आप इसको यूज करना है ना, आप इसको एक मंथ के लिए यूज करो। अगर आप इसको एक मंथ के लिए यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ब्याज देने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरह ऑप्शन मिलेगा बिल पे का। अगर आपको उसको कोई बिल बन के आ चुका है ना, जैसे बिजली का बिल आपको पे करना है, ऊपर की तरफ आपको बिजली का बिल का ऑप्शन मिलेगा। नीचे आपको मिलेगा पे लेटर सर्विस का ऑप्शन। आपके यहाँ पे काफी सारे ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे काफी सारे ऑफर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप इसको जोमेटो पे यूज कर सकते हैं, VIP यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको काफी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नीचे आएंगे आपको फूड ग्रोसरी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। स्विगी पे यूज कर सकते हैं, डुंजो पे यूज कर सकते हैं। आपको काफी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैकडबल पे यूज कर सकते हैं और जोमेटो पे भी आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है मीशो पे यूज कर सकते हैं, पर्पल पे यूज कर सकते हैं, बूट पे यूज कर सकते हैं। नीचे आएंगे आपको होटल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाना है तो आप इसको मेक मैक ट्रिप पे यूज कर सकते हैं, रेड बस पे यूज कर सकते हैं, रैपिडो पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नूपर की तरह आएंगे तो 1 मिलियन प्लस पीपल अभी तक इसके यहाँ पे हो चुके हैं। तो 45,000 मर्चेंट इनके यहाँ पे अवेलेबल है। इंस्टेंट फ्री 0% इंटरेस्ट पे आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो एक मंथ का आपको यहाँ पे समय मिल जाएगा, आसानी से आप इसकी रिपेमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप इसको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको काफी सारे ढेरों ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा अगर आपको कोई मोबाइल का रिचार्ज करना है मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड का रिचार्ज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हैं। अगर आपके घर में बिजली का बिल आ चुका है, आपके पास इंस्टेंट यहाँ पे पैसे नहीं है, आप यहाँ पे बिजली का बिल भी यहाँ पे भर सकते हैं। फास्टैग को भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल प्रीपेड का आप यूज कर सकते हैं, फास्टैग DTH को यूज कर सकते हैं, गैस लाइन को यूज कर सकते हैं, डाटा केबल को यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी का बिल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मोबाइल प्रीपेड का ऑप्शन आपको मिलेगा। नीचे आएंगे आपको एजुकेशन फीस का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको अपने बच्चों की यहाँ पे फीस भरनी है ना तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके एरिया के जितने भी स्कूल या कॉलेज होंगे सारे यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो वहां पे जाके आप अपने आसानी से अपने बच्चों के फीस भर सकते हैं और आपको EMI का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ब्रॉडबैंड पोस्टपेड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नीचे आएंगे आपको क्लब एंड एसेसरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, हॉस्पिटल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, म्युनिसिपल सर्विस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इंश्योरेंस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस करना है इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे हाउसिंग सोशल का ऑप्शन मिलेगा, साथ में आपको म्युनिसिपल टैक्स का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन पे आपको ढेरों ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस एप्लीकेशन को जो प्रोवाइड कौन कर रहा है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको प्रोवाइड कर रहा है PayU फाइनेंस ओवर द लैंडिंग पार्टनर। देखो जिसकी तरफ से हमारे को लिमिट मिल रही है ना, जो हमारे को लिमिट प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है PayU फाइनेंस ओवर द लैंडिंग पार्टनर। इसके यहाँ पे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, तो यहाँ पे आप इसको इंडिया में किसी भी जगह आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 100% सेफ एप्लीकेशन, यहाँ पे काफी अच्छी एप्लीकेशन है। RBI के जितने भी रूल रेगुलेटर है एप्लीकेशन यहाँ पे फॉलो करती है और 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उसको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का नाम कौन सा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको इसके अबाउट सेक्शन पे आ जाना है। अबाउट सेक्शन पे आने के पहले सबसे पहले आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं कि 4.4 की इसकी रेटिंग है। 1 करोड़ लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी यहाँ पे कर लिया। अबाउट पे आ जाना है। अबाउट में आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको EMI के ऊपर यूज करते हैं ना तो वहां पे आपको जो एपरा रेंज लगेगी 15-32% की लगेगी, 3-24 months का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और 5 लाख रुपए का आपको लोन भी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा 4 पर्सनल लोन एक्सप्रेस लोन आपको ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, आपको जो इंटरेस्ट लगेगा 36-42% का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है और कन्वर्ट फॉर द EMI 3 months-24 months का आपको EMI का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफी माल की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, आप पे गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं, लिमिट चेक कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिट नहीं बढ़ती, अगर आप इसको यूज करते हैं जोमेटो जैसी एप्लीकेशन पे या ऑनलाइन इसको यूज करते हो तो आप इसकी लिमिट को भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ऊपर की तरह आएंगे तो यहाँ पे आपको मेन ऑप्शन मिलेगा बिल पे यूटिलिटी बिल का। अगर आप यहाँ पे यूटिलिटी का बिल भरते हैं ना तो आप उसको EMI का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो काफी कमाल की एप्लीकेशन है। आपको नीचे आ जाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं PayU फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PayU फाइनेंस इसकी तरफ से आपको लिमिट मिलने वाली है। अगर आपको कोई भी क्वारी ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है। एप्लीकेशन यहाँ पे कब आई थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन आई थी 19 फरवरी 2014 को। अब यहाँ पे जुलाई चल रहा था, काफी पुराने एप्लीकेशन यहाँ पे हो चुकी हैं। एप्लीकेशन का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा लेजी पे लोन ऐप पे लेटर ऐप PayU फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमारे को लिमिट मिलेगी। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन एक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।